इस बार की फास्टलेन कुछ खास नहीं रही। इसमें बेहद ही फीके मैच देखने को मिले जिसमें कई बड़े नामों को हार का सामना करना पड़ा। इस इवेंट को डूबने से बस इसके मेन इवेंट मैच ने बचा लिया। इस मैच में एजे स्टाइल्स ने सभी 5 रेसलरों को हराकर WWE चैंपियनशिप बेल्ट पर कब्जा बनाए रखा। जैसे ही फास्टलेन ऑफ एयर हुई तो जॉन सीना ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। सबसे पहले आपको फास्टलेन की कुछ बड़ी हाइलाइट्स के बारे में बता देते हैं। तो इसमें एजे स्टाइल्स ने अपने मैच में बाजी मार ली। उन्होंने 5 रेसलरों को हराकर फिर से अपनी टाइटल बेल्ट बचा ली। फास्टलेन के दूसरे बड़े मुकाबले की बात करें तो रैंडी ऑर्टन ने बॉबी रूड को हराकर नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए। डीवा डिवीजन में शार्लेट फ्लेयर ने रूबी रायट को हरा दिया, लेकिन इस मैच के खत्म होने के बाद असुका रिंग में आ गई। अब असुका और शार्लेट फ्लेयर का मुकाबला रेसलमेनिया 34 में देखने को मिलेगा। जैसा ही फास्टलेन ऑफ एयर हुई तो जॉन सीना ने रिंग से उठाकर एजे स्टाइल्स को उनकी जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने एजे स्टाइल्स के साथ पहले तो हाथ मिलाया और उन्हें मैच जीतने पर बधाई दी। इसके बाद उन्होंने स्टाइल्स का हाथ पकड़कर लोगों को उनके लिए चीयर करने को कहा। आपको बता दें कि जॉन सीना ने खुद इस बात को मानना था कि वे सिर्फ तभी रेसलमेनिया में जा सकेंगे जब वे फास्टलेन में जीत जाएंगे, लेकिन अब हार के बाद उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर कयासों की माने तो भले ही जॉन सीना इस मैच में हार गए हो, लेकिन आने वाली स्मैकडाउन में उन्हें अंडरटेकर से बड़ा चैलेंज मिलने जा रहा है।